तक जाना आपने, ठीक है। तो आज जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा सेक्शन है? अच्छा, कितना दिन हो गया भाई आज को? 10 दिन हुआ टोटल। क्या क्या पढ़े अभी तक अपन ने? स्टार्टिंग कंपोनेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़े, कंपोनेंट सारे देखे, उसके बाद चार्जिंग सेक्शन पढ़े, उसके बाद लाइट, उसके बाद ग्राफिक का सुपर अमोलेडी, हाँ, उसके बाद कल क्या देखे? आईसी, टच की सप्लाई देखे, ऑक्टाएलईडी जो सुपर अमोलेडी है वो देखे, और आज क्या देख रहे हैं? क्या क्या बताओ? ऑडियो माइक, रिंगर और हेडफोन जैक। समझ में आया सबको? अच्छा, ऑडियो का रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आया तो बना सकते हैं सब लोग। देखो, यहाँ आईसी लगाने निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हम पहले दिन ही कर लिए ना। अभी तक सब 4G में सीपीयू लगा लिए? थोड़ा हाथ उठा के बताइए, सब जने लगा लिए? व्हाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, अभी डबल डेकर भी कर रहे हैं आप लोग? कितने तो इसमें डबल डेकर भी बना लिए, है ना भाई? कौन कौन बना लिए इसमें डबल डेकर के? अच्छा ठीक है, तो आईसी लगाना निकालना तो सबको आता है। अब बच गई क्या हमारी बात? सर्किट की। सेक्शन डेली पढ़ रहे हैं, तो आज सबसे पहले कौन सा आईसी देखे अपन ने? ऑडियो आईसी। तो ऑडियो आईसी का और एक नाम क्या बोल सकते हैं? रिंगर पीए। वेरी गुड, रिंगर पीए, प्री एम्पलीफायर आईसी जिसको बोलते हैं। और एक कौन सा देखे? स्मार्ट पीए। अभी लेटेस्ट सेटों में आ रहा ना, अभी पहले क्या आ रहा था अपना? रिंगर आईसी बोलते थे जिसको, और वही अभी क्या हो गई है? अच्छा, तो सबसे पहले ये कितने बॉल का है? 16 बॉल। अब इसमें से कौन आके एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे? हर कोई कर सकते हैं। तो आ जाओ, एक कोई तो भी, मैं किसका भी नाम नहीं ले रहा, कौन भी आ जाओ, आ जाओ भाई, कोई भी आ जाओ, जल्दी से एक दो सप्लाई बता के जाओ, चलो सब मिलके करते हैं, ठीक है? आ जाओ भाई, रिंकू तुम ही आ जाओ, तुम उड़ीसा से हो ना? चलो, यहाँ पे मेरे को वीपीएच लाइन कहाँ पे आ रही बता देना जल्दी से, लैपटॉप की तरफ पलटो और बताओ। ऐसा ऐसा करके कर सकते हैं, ऐसा ऐसा करके। ये मीडिया टेक सीपीयू है, कौन सा है? उसमें वीपीएच को क्या बोलते हैं सबको पता है ना? चलो उधर बताओ, थोड़ा सा रिंकू उधर बताओ, उधर उधर सामने जाके सामने जाओ। ये हो गया, वेरी गुड, सही बोले ना ये, जोरदार क्लास। रिंकू रिंकू एक मिनट, दो अल्फाज बोल के जाओ भाई। तो अभी पहले जब आए थे ये सब समझ में आ रहा था क्या आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ समझ में, अभी सिमेटिक को रीड करना सर आपने अच्छे से सिखा दिए अच्छे से। अच्छा, जब आप आए थे डायग्राम भी खोलने नहीं आता था होगा आपको? डायग्राम तो जानते ही नहीं थे। अभी एक एक लाइन देख रहे हो, कंपोनेंट सीरीज है, पैरेलल है, वोल्टेज कितना आता, लाइन का फुल फॉर्म, नाम क्या है, सब बताया यहाँ पे। सब अच्छे से सर समझ में आ रहा है। अभी जाके खाली प्रैक्टिस करना है तो पूरा हो जाएगा। हाँ, हैंड स्किल का तो काम सब लोग कर लिए। हाँ, थोड़ा भाई इधर थोड़ा सीरियस रहो, कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? कोई भी किधर से भाई आओ, अगर अच्छे से काम सीखना है, सिमेटिक को रीड करना और हैंड स्किल का भी, कैसे काम करते हैं, किस एयर पे, किस वोल्टेज पे कितना कुछ रहता है, तो फोन फिक्स हैदराबाद, एक नंबर इंडिया का इंस्टीट्यूट है भाई। और कोई हमको नहीं बता रहा कि ये बोलो वो बोलो, हम जो हमसे दिल से जो निकल रहा है ना वही बोल रहे हैं। 10 दिन में हमारे अंदर कितना मतलब चेंज हुआ है, हमको ही पता है। वो ऐसे जो आता है उन सबको, इन हम जन में 20 जन में कोई सा भी एक ही बंद से पूछ लो, वो सिमेटिक को अच्छे से रीड करना आता है, और कोई सा भी सेक्शन का बारे में पूछ लो, कोई सा भी सेक्शन, कोई सा भी लाइट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गया, कुछ भी बता सकता है। क्या बात है, एक बार जोरदार क्लास इनके लिए, क्या बात है। अभी मैं पूछूंगा यहाँ पे नेक्स्ट, ऑडियो के दो इनपुट लाइन आ रहे हैं इसमें, ठीक है, क्या आ रहा है? आप आ जाओ दिलीप पीछे से, बैंगलोर, किसी को भी बुला के पूछूंगा यहाँ पे, कोई ऐसा परफेक्ट तो नहीं है ना इसमें, सब लोग सीख ही रहे हैं, सब इक्वल है ना भाई, ऐसा तो नहीं है मैं जिसको अच्छा आता है उसको बुला रहा हूँ, ठीक है। ऑडियो आईसी से जो दो लाइन आती है कौन सी है भाई? A1 A2। क्या बात है, एक बार 2000 क्लास। आप कहाँ से? बैंगलोर में। कहाँ से? मलेश्वरम। अभी जो डायग्राम आप रीड कर रहे हैं, एक एक लाइन समझ में आ रहा आपको? तो पहले कभी आता था क्या ऐसा? कितने साल से काम कर रहे थे आप? 10 साल से काम कर रहे थे। अभी 10 दिन हो गया आज, पहले में अब में कितना फर्क हो गया? 10 साल से कर रहे थे और ये 10 दिन में? कन्नड़ हाँ बोलो, कौन सा भी लैंग्वेज तुम्हें चेना की दे,
फोन फिक्स हैदराबाद नन मद्लो गोताल आक्चुअली इवेल गोता है और हैंड स्किल का काम कैसा सिखा रहे वो भी उसी में बोलो कनाडा में हैंड स्किल तुम्हारे चेना आईसी रीबोलिंग प्रोग्रामिंग नीट आगे हेकोड़े सागर सर फिर सर ट्रेनिंग तुम्बा चेना रहने के लिए कैसा प्लेस है होटल हॉस्टल तुम्बा चेना इवरद इराके हॉस्टल को फुड नमदे मत इली प्लेस सह तुम चेना टाइमिंग कब से कब तक ले रहे क्लास 10 o'clock ಇಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ತಿರ 2 o'clock ಇಂದ ರಾತ್ರಿ 8:30 ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ತೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇ ಕೋ ಆನಾ ಚಾಹೆ ಉಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲಿಯೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬರೋರು ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬನ್ನಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಐ ಫೋನ್ಸ್ ಈಗ ಏಕ್ ಬಾರ್ 2000 ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇ ಇನ್ಗೆ ಲಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಠೀಕೆ तो यहाँ पे तो ये हो गया और यहाँ पे एक लाइन है ईएन सिग्नल क्या लाइन है राहुल थोड़ा आप आ जाओ यहाँ पे ईएन सिग्नल ये आईसी को मैं ऐसा हटा देता हूँ इधर उधर कर देता हूँ थोड़ा सा अभी बताओ कहाँ पे इसमें ईएन सिग्नल आ रहा है क्योंकि आईसी को तो अपने को इनेबल करना है ना भाई कहाँ पे आ रहा राहुल ए फोर सही बताए नो जोरदार क्लास इनके लिए राहुल आप कहाँ से थोड़ा सा बताइए मध्य प्रदेश से राहुल जब आप आए थे कितने साल से काम कर रहे थे आप 12-13 साल से कर रहे थे आज 10 दिन का ट्रेनिंग हो गया तो पहले में अब में कितना डिफरेंस आ गया आप में बहुत डिफरेंस आ गया क्या कहना चाहेंगे कोई आना चाहते हैं यहाँ पे जरूर जी यहाँ बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है बहुत स्ट्रांग है बेसिक नॉलेज के पूरा ऑल ओवर नॉलेज सब कुछ नॉलेज शुरुआत तो बेसिक से स्टार्ट होती है सर जी और उसके बाद जो हार्डवेयर का जो तरीका बताया गया है जो आईसी निकालने लगाने का जो परफेक्ट तरीका होता है कितना टेम्परेचर में काम करना है कितने मेयर में काम करना है ये यहाँ पर आपको एक्यूरेट मिलेगा तो अभी तक क्या क्या काम कर लिए आप आईसीओ पे मैं ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड डबल डेकर सिलेंडर साफ करना कल तो डबल डेकर भी बनाए आप सेट ओके हो गया ठीक है जो सोच के आए थे मिल रहा आपको ठीक है एक बार इनके लिए जोरदार क्लास कर दीजिए भाई ठीक है जैसा ये आईसी में अभी हम तो इनपुट सप्लाई देखे इसमें कुछ आउटपुट होती है दो लाइन है ना तो कौन बोलना चाहेंगे सब बोल सकते हैं क्या आप आ जाओ भाई प्रमोद तुम ही आ जाओ आउटपुट लाइन जो कहाँ जाती है खत्म कहाँ होती है स्पीकर के टिप्स पे रिंगर के जिसको रिंगर बोलते हैं चलो यहाँ पे देख के बता दो भाई D4 और B4 पे आ रहा है सही बताया इन्होंने क्या बात है एक बार जोरदार क्लैप्स तो आप कहाँ से भाई मुंबई से सर मुंबई कहाँ से कांडुक मराठी आती है सर मराठी में बताओ कब से काम कर रहे थे आप तुम्हारा इतने ऐसा असल मराठी महाराष्ट्र मधन कुटुंबन तो तुम्हें ये हो सकता इतने फोन फिक्स हैदराबाद अच्छा अभी 10 दिन का ट्रेनिंग हुआ पहले में अभी कितना डिफरेंस आ गया आपने सब सीखा सर अच्छा है रिकॉलिंग आईसी रिकॉलिंग वगैरह ट्रेसिंग और डायग्राम वगैरह रीड करना ठीक है सर समझ में आ रहा है अभी कोई आना चाहे मराठी में बताओ उसको क्या बोलना चाहेंगे आ सकते सर इधर मराठी में बोल दो क्या बोलना चाहेंगे कैसा ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे क्या क्या सीखे हो अभी तक थोड़ा सा बताओ आईसी रिवॉल्विंग और मदरबोर्ड ट्रेसिंग सब इधर सीख सकते हैं सर आईसी वगैरह लगा के ऑन कर लिए सेट आप लोग कोई सेट पे काम करने का टेंशन तो नहीं है ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड आईसी खोलना है लगाना है या डायग्राम रीड करना है सब बन रहा है ठीक है एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप्स अभी थोड़ा सा जो डायग्राम बनाया आप ये 16 पिन वाली आईसी का थोड़ा 16 बॉल वाली आईसी का थोड़ा सा बताइए सब लोग थोड़ा देखना चाहूंगा मैं यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं ये लोग भी पूछ रहे हैं कि इनको भी सीखना है तो यहाँ पे कैसा डायग्राम बना रहे भाई थोड़ा सा बताओ पहले DC to DC सर 4 वोल्ट जा रहा है इधर ठीक है D3 पे यहाँ पे ऑडियो आईसी का पॉजिटिव आ रहा है सर एक रजिस्टर लगा है यहाँ पे दो कैप लगे हैं इधर को वोल्टेज आ रहा है वेरी गुड और यहाँ पे इसका CPU का एक लाइन है 1.8 वोल्ट का ठीक है इधर जा रहा है और सर ये हमारा स्पीकर का पॉजिटिव और ये तो दो ही सप्लाई है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव किसको नहीं बोलेंगे ठीक है क्योंकि आएगा ये और सर यहाँ पे D3 के एक कैप लग के ये ग्राउंड है सर और ये सीरी ये कैप दोनों मिलके है और ये कैप दोनों मिलके है सर और इसका वोल्ट जो आएगा रिंगर का ये सबसे अच्छी बात है रिंगर का 1.4 वोल्ट ठीक है वो नहीं बताना है अपने को ठीक है वो तो आएंगे तो बताएंगे अभी तो ऐसा सब कुछ समझा दे रहे हैं ठीक है तो ये पहले से आता था क्या आपको नहीं ये कॉपी तो नहीं करे कहीं नहीं कॉपी नहीं खुद से बनाए समझ के बनाए खुद से बनाए समझ के बनाए वेरी गुड आपका बताओ भाई ठीक है दीपक थोड़ा आपका बताओ थोड़ा फेयर नोट्स बताओ ना तो फेयर नोट्स बनाए आप लोग अभी तक के रूम में अभी है ना हाँ बताओ फेयर नोट्स कहाँ बनाए फेयर वाले जो नहीं बनाए वो लोग तो पीछे पलट जाएंगे हम तो नहीं बनाए सर क्या
फिर नोट्स बनाओ भाई, बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, डायग्राम साइज होंगे बताओ भाई। ठीक है आपका कहाँ है फिर? हॉस्टल में है। ठीक है चलो कोई बात। ठीक है ये चार्जिंग सेक्शन बना लिए, कौन से मॉडल का बनाए कुछ? ठीक है क्या? MTK। ठीक है MTK का बना लिए। ठीक है और इधर फेयर नोट्स है क्या किसी के पास? देखो ये सरदार जी आप कहाँ से हैं? पंजाब से है। आप कब से काम कर रहे थे आप? 10 साल से। ये जो बनाए डायग्राम्स बहुत ही अच्छा बनाए, नीट वेरी गुड। एक बार इनके लिए जोरदार क्लास दो। देखो मेहनत करें कितना अच्छा बनाए इन्होंने डायग्राम, थोड़ा बताइए। आपने बनाया जो ठीक है 16 बॉल जी। अच्छा बॉल थोड़ा स्मार्ट पीए भी बता दो। रिंगर आईसी आ रहा है अभी हैंडसेटों में, K318 उसका डायग्राम है। ठीक है कैसे कैसे लाइन कहाँ कहाँ से आ रही है? ठीक है अच्छा बनाए नहीं अभी का, अभी क्लास में बनाए ना आप ये? वेरी गुड। और ये 36 बॉल वाली बताओ। ये जो आप समझाते हो वो साथ साथ में लिखते हैं? ठीक है किसका क्या काम है, कौन सी आईसी किस में लगी रहती है, कौन कौन से? ठीक है सैमसंग कॉलकॉम। ठीक है अभी जो बनाए थे पूरे सेक्शंस दिख रहे हैं मेरे को आपके पास जी सर। ठीक है ग्राफिक आईसी का बनाया हुआ है। ठीक है ये साथ साथ में जो जो ठीक है सेगमेंटिंग में रहता है जो ठीक है वो नहीं बताना है अपने को। ठीक है ये भी अच्छा बनाए, वेरी गुड। ये भी अच्छा बनाए सैमसंग ये 505 ये क्या है? टच का सप्लाई बना लिए जी सर। ठीक है थोड़ा अभी 36 बॉल वाला बनाए क्या आप? जी सर। देखिए कितना अच्छा बनाया इन्होंने डायग्राम, ये शायद आपको अगर सीखना है तो यहाँ आ सकते हैं। थोड़ा पंजाबी में बात कर सकते हैं आप? जी सर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं आने वाले जो ऑलरेडी बुक करके पंजाब के भी है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे थोड़ा पंजाबी में दसो? सर मैं पहला सोचता थी पंजाब तो इतने आने का बहुत औखा होना है, क्योंकि हैदराबाद जाके ब्रांड का सैंड का जो भी कुछ काम था उसे ना मिले किसी तरह का रोटी का। पर जेड़ा भी पंजाबी भरा इतने आना चाहता उन्हें मैं यही कहूंगा कि हाँ भी बेझिझक इतने आवे, इतने आके रोटी का रहन सहन का इन्हों का बहुत वधिया प्रबंध है। इन्हों तो जो भी अपने भरा जिन्हें भी सारे इतने आके मिलते हैं सारे का बहुत एक जिट प्रेम रहा है। पंजाब में कहाँ से है आप? मैं हुशियारपुर। हुशियारपुर से है तो आप कब से काम कर रहे थे पहले? 10 साल से कर रहे थे, आज हमारा 10 दिन पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब 10 दिन के बाद में कितना डिफरेंस आ गया आप में? बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया सर। मैं पहले सोच रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज आएगा। अच्छा जब यहाँ पर आया तो ऐसे लगा कि जीरो नॉलेज से हम वहाँ काम कर रहे थे, अभी जो नॉलेज है उसके हिसाब से हम काम करें तो बहुत आगे जा बहुत आगे जा सकते हैं। अभी सेट तो वापस नहीं जाएंगे ना, डबल डेकर वगैरह भी आप बना लिए अभी तो हाथ से, ब्लैक पेस्ट खोल लिए, व्हाइट पेस्ट भी सीख लिए, आईसी खोलने लगाने तो कोई डर नहीं है। हैंड स्किल का काम तो पूरा कंप्लीट हो गया आपका? पहले को कोई भी पर अभी जो हैंडसेट आएगा वो ऐसे खुद डरने से पहले हम बना के देंगे, समझ में आएगा कि ये हैंडसेट हम तो अब पता चल गया है कि कहाँ पे काम करना है कैसे करना है। ठीक है एक बार इनके लिए जोरदार क्लास करिए भाई, थैंक यू वेरी मच सरदार जी। और भाई आपका बताओ? टच का बना लिए। ठीक है आप अभी जो बनाए फिर कहाँ है? तुम कहाँ से भाई? वैजाग। कौन सा लैंग्वेज चलता? तेलुगु। तेलुगु चलता वहाँ। ठीक है ये कौन सा डायग्राम बनाए? ये लाइट और ग्राफिक। ये इतना सारा बना लिए समझ में भी आ रहा कि नहीं? कॉपी कर लिए? एक एक चीज समझ के बनाए ना। और क्या बनाए? थोड़ा साइलेंट। A3S का ग्राफिक आईसी बना लिए। ठीक है और ये कौन सा है? चार्जिंग सेक्शन। ठीक है और ये जो बनाए ये हॉस्टल में बनाए ना रात में? yes, कब तक जागते हैं आप हॉस्टल में? कितना नाइट? लेट नाइट 1 o'clock 2 o'clock हो जाता। यहाँ बैठ के तो टाइम वेस्ट नहीं कराते ना, ये उतार लेते बैठो दिन भर। हाँ रूम में जैसा। ठीक है तुम बताओ भाई सतीश। ठीक है और क्या बनाए? और कल बोले थे वो डायग्राम बनाया, ये भी टच का है। ठीक है थोड़ा राहुल आपके डायग्राम बताओ जरा, अच्छे बनाए हो आप भी। ये देखो भाई एक बार राहुल के लिए भी क्लास भाई जोरदार, पूरा एकदम बहुत ही अच्छा नीट बनाए इन्होंने भी डायग्राम्स, ये इनके साथ ही रहने वाला है। ठीक है चार्जिंग का है। ठीक है MI नोट प्रो की चार्जिंग का है। ठीक है AC22 IC भी कहती है, वोल्टेज निकलती है जो पावर IC पे जाती है और वी वाइब्रेट पे कैसे जाती है। ठीक है LCD कनेक्टर है। ठीक है
लाइट लाइट आईसी का सिलेक्शन है, ठीक है। ओप्पो A3CS की ग्राफिक्स आईसी है, ठीक है। ये डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नहीं बन रही, तो ये पूरी MIPI लाइन है। ओके, ग्राफिक्स आईसी है, ठीक है। रेडमी इंडिया 5A की टच सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये आपका आ गया सैमसंग 500 का डिस्प्ले प्लस जो ओप्पो LED होती है उसकी कनेक्शन है, ठीक है। रेडमी 6A की रिंगर आईसी है ये, ठीक है। ये आपकी स्मार्ट आईसी है, स्मार्ट PA, स्मार्ट PA, ठीक है। ये क्रिस्टल माइक के बारे में है, ठीक है। ये रिसीवर, रिसीवर वाह क्या बात है, जबरदस्त। एक बार जोरदार क्लास भाई, बहुत अच्छा बना है। आप लोग पीछे वाले आप लोग भी बताओ भाई, तुम भी अच्छे बनाते डायग्राम्स। शाहीन अली से ना, ठीक है। ये अपने से रात में बनाए ना देख के, ठीक है। ओके, ये लाइट ग्राफिक्स, ठीक है। आपका बताओ भाई, आप भी बनाए कुछ फेयर नोट्स रात में बना रहे वही है, ठीक है। J6 का ग्राफिक सैमसंग J6, ठीक है। इसके बाद ऑडियो सेक्शन, ऑडियो, ठीक है। और कहाँ है आपका फेयर नोट्स, वही है, ठीक है। चलो अच्छा, सबको समझ में आ रहा ना अभी। अब एक यहाँ पे अभी क्या देखे थे अपन ने, इसमें एक 36 वाली क्या देखे थे, ये वाला AC स्मार्ट PA, क्या देखे थे, स्मार्ट PA। दीपक थोड़ा सा आप आओ एक बार, इनके लिए क्लैप्स करिए, दीपक के लिए आओ। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ये बताइए, एक आईसी के लिए इनपुट सप्लाई होनी होती है जो यहाँ पे किस नंबर बॉल पे आ रही, क्योंकि कितने बॉल का आईसी है सबसे पहले बताइए। 36 कौन सा आईसी है ये? ये स्मार्ट PA, स्मार्ट PA, क्या है ये? स्मार्ट PA, कितने बॉल? तो इसमें हमको चाहिए VPH या VBAT लाइन जो के इनपुट चाहिए, वो कहाँ पे आ रही थोड़ा सा बता दीजिए। ये एंटर हो रहा है, अच्छे से देखो आप, और यहाँ पे बताइए जी, जो हमारी VBAT और VPH लाइन है कहाँ पे आ रही है? सर ये आ रही है, हाँ, लाइन हमारी कितने नंबर पे आ रही है? आ रही है कितने? B6 पे, हाँ B6 पे जी। और इसको यहाँ से नीचे होगा जी, जी, जी। E1, E2 और E3 सही बोले ना ये? एक बार जोरदार क्लैप्स इनके लिए। और यहाँ पे ये भी बता दीजिए, इसमें I2C लाइन जो होती है हमारी, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, वो क्या नंबर बॉल पे आ रही है थोड़ा ये भी बता दीजिए। इनको बोलने देते हैं, उनके सबको आता ना ये? यस सर, वेरी गुड। I2C में क्या क्या लाइन है हमारी? हाँ बताइए, सीरियल क्लॉक लाइन है सर, SDA और SCL लाइन। यस सर, किससे किस पे आ रही है ये? कहाँ कहाँ पे? A5 पे और A4 पे। A4 पे, दीपक जी अभी इनके लिए एक बार 2000 क्लैप्स करिए भाई। अभी आपको समझ में आ रहा है दीपक जी कहाँ पे आ रहा है क्या है? ठीक है, चलिए बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे जो ये IC का डाटा सब लोग बनाए, थोड़ा सा बताइए, ऐसा उठा के बताइए, बुक बताइए कहाँ है सबके? हाँ वेरी गुड। अच्छा, इसमें CPU के लाइन्स अलग ड्रॉ करें अपन? यस सर। आ जाए तो कहीं से डायग्राम की जरूरत है क्या अपने को? बना लिए ना अपन, डायरेक्ट देख सकते हैं। DC to DC से लाइन आ रही है, क्या नाम है उसका? VPH लाइन। अच्छा, पावर से एक लाइन आ रही है, उसका क्या नाम है? VIO। कितने नंबर पे आ रहा बता दो? A3। आप? A3 पे। अच्छा, यहाँ पे किससे पूछू मैं? प्रसाद आप, और आउटपुट जो निकलता है हमारा, जो हमारा कनेक्टर पे जाता है स्पीकर पॉजिटिव और स्पीकर, कितने नंबर पे आ रहा है थोड़ा सा बता दो? E6। सही बता रहे है? एक बार क्लास छिनके लिए भी, ठीक है भाई, सबको समझ में आया। अच्छा, ये भी बताया मैं आपको, जब वॉइस
आपका रिसीवर स्पीकर माइक तीनों में काम नहीं कर रहा तो क्या करना है मालूम है ना अपने को? ठीक है, अपने को मालूम है कि नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है, सब कर लेंगे ना काम। तो ऑडियो के रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आया बना सकते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नीचे से, टिप से स्टार्ट करके हम लास्ट आईसी तक पहुँचते हैं। सबको आता है ये लाइन? जितने भी लाइन से ट्रेसिंग करने आएगा सबको सीरीज कॉम्पोनेंट कौन से है, पैरेलल कौन से है, सबको पता है उसका वैल्यू चेक करने आता ना भाई? अभी आप कहाँ से? महाराष्ट्र नासिक। मराठी आती है? यस। पहले कब से काम कर रहे थे मराठी लोग? 8 साल से मेरी शॉप है मराठी में। माझी 8 वर्षापासून दुकान है। हाँ, प्रॉपरली ट्रेसिंग येत नव्हती आणि आताचे जे नवीन हँडसेट आले ते ऍडव्हान्स टेक्निकल ऍडव्हान्स कोर्सेस, तर सरांनी पूर्णपणे माहिती जी दिली ती चांगली दिली। आतापर्यंत माझा बेसिक कोर्स पूर्ण झाला आहे अँड्रॉइडचा, परवापासून माझा ऍडव्हान्स कोर्स स्टार्ट झालेला आहे पूर्ण अँड्रॉइडचा आणि आयसी एएमएमसी पार्टची ओळख, आयसीचे लेवल ट्रेसिंग, प्रॉपर ट्रेसिंग, आयसीच्या मधल्या बॉल पर्यंत ट्रेसिंग करणं, जम्परिंग करणं, डबल डेकर ने काढणे, फिट करणे, पूर्ण एकदम योग्यरित्या शिकवलं गेलेलं। कोई आना चाहे मरा महाराष्ट्राचा उसको क्या बोलना चाहेंगे? तर एवढं समजलं की इथं या विनोद सर आहेत, सागर सर आहेत आणि संध्याकाळी काही समजलं नाही शकील सर पण आहेत हॉस्टेलमध्ये 12-12 वाजेपर्यंत, एक विद्यार्थ्याला समजलं तर एक्सप्लेन करून सांगतात डिटेलमध्ये। हँड स्किल काम कसा शिकारे आप? एकदम बढिया सर। और सर्किट की नॉलेज प्रॉपर है सर एकदम? ये दोनों ही चाहिए ना आपको काम करने के लिए? समझ में आ रहा आपको अभी? डिफरेंट एकदम। एक बार इनके लिए क्लैप्स करिए जोरदार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।